जेके मीडिया देख रहे सभी दर्शकों का जय माता दी। मैं हूं आपके साथ आशीष शर्मा कटरा से। दर्शनी ड्योडी यानी कि दर्शनी दरबार पर हम खड़े हैं। यहां से माता रानी की जो यात्रा है यहां से शुरू होती है और यहां से ही RFID कार्ड चेक कर ही जो श्राइन बोर्ड के कर्मचारी हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस के जो लोग हैं यहाँ से RFID कार्ड चेक करके ही आगे जाने की अनुमति दी जाती है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर फ्रिस्किंग की जाती है और उसके बाद ही यहाँ से आपको आगे जाने की अनुमति दी जाएगी। हमारे साथ कुछ भक्तजन हैं जो उज्जैन महाकाल की नगरी से आए हैं। ये माता रानी का एक भजन सुनाएंगे और उसके बाद बाबा भोले का जाने की जो महाकलेश्वर यहाँ से ये आए हैं बाबा भोलेनाथ का भी हम भजन इनसे ज़रूर सुनेंगे। और क्या नाम है भैया आपका? ईश्वर गहलोत। कहाँ से आए हैं? उज्जैन से। उज्जैन बढ़नेगर जी। उज्जैन बढ़नेगर महाकाल की नगर। पहले भी आए हैं? पहली बार है? पहली बार आया हूँ। तो किस तरीके की व्यवस्था रहती है यहाँ पर आप देखते हैं? बहुत अच्छी व्यवस्था है और बड़े दिनों से माता रानी के दर्शन की इच्छा थी तो आज माता रानी ने बुलावा भेजा और हम उनके दर्शन के लिए आए हैं। बहुत गदगद मन हो रहा है। भाग्यशाली समझते हैं? बहुत बहुत भाग्यशाली समझते हैं अपने आप को। और क्या, क्या क्या कुछ नया देखने को मिलता है? जैसे आप पिछले साल आए थे, अभी इस साल आए, क्या कुछ? मैं पहली बार ही आया हूँ। पहली बार है तो किस तरीके का अनुभव है? बहुत बहुत अच्छा सुखद अनुभव हो रहा है। हाँ, तो यहाँ की जो उपलब्धियाँ हैं, यहाँ की फैसिलिटीज़ देखकर क्या लगता है? अच्छी सुविधा बना रखी है कार्ड वगैरह की, वहाँ से सारी सुविधाएँ हैं, किसी को परेशान नहीं होना पड़ता है, व्यक्ति को सारी जानकारी मिल जाती है और लोग कर रहे हैं दर्शन माता रानी के। तो आप भी दर्शन करने जा रहे हैं? मैं दर्शन माता ने बुलावा भेजा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, दो लाइन सुनाता हूँ। भेजा है बुलावा तूने शेरा वालिए, भेजा है बुलावा तूने शेरा वालिए, ओ मैया तेरे दरबार हमें तेरे दीदार को मैं आया हूँ, कभी न फिर जाऊँगा। जय माता दी। जय माता दी। तो आप उज्जैन महाकाल की नगरी से आए हैं तो क्या कहेंगे वहाँ के लोगों को? हम कहेंगे कि बहुत माता रानी के यहाँ बहुत आनंद मिला हमको दर्शन करके, और आप भी वहाँ पर जाएं, दर्शन करें और माता रानी के दर्शन का लाभ लें, आनंद लें। क्या नाम है भैया? राकेश राठौड़। राकेश जी, आप भी उज्जैन से हैं? हाँ, उज्जैन के पास बढ़नेगर से 45 किलोमीटर। महाकाल की नगरी। आप पहली बार आए? पहले दूसरी बार आ रहा मैं। दूसरी बार आ रहा हूँ। किस तरीके का अनुभव? यहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था है चढ़ने ऊपर चढ़ने की, और यहाँ पे स्वच्छता भी अच्छा है, मतलब कचरा वगैरह भी दिखता है और ट्रैफिक भी अच्छा है, सभी चीज़ अच्छी है। और सबसे बड़ी व्यवस्था है कि यहाँ पे काम जल्दी हो जाता है, मतलब लाइनमैन लगना पड़ता है दर्शन करने के लिए, फटाफट काम होता है। ऐसा मानते हैं कि माता रानी का बुलावा हो वही आ सकता है? हाँ, हम कब से सोच रहे हैं, कम से कम 6 साल पहले आया था, बाकी 4 साल सब सोच रहे आए हम। और क्या कहना चाहेंगे वहाँ के लोगों? बस वो सभी को आना चाहिए यहाँ पे माता रानी के दर्शन करने के लिए। तो एक बार जय माता दी। जय माता दी। जोर से जयकारा लगा। जय माता दी। तो ये महाकाल की नगरी से आप सारे दोस्तों? हाँ। आप सारे दोस्तों, तो ये कुछ लोग जो महाकाल की नगरी से आए हैं और भाई साहब कह रहे हैं मैं पहली बार आया हूँ और बड़ा अच्छा अनुभव रहा, माता रानी के दर्शनों के लिए अब जा रहे हैं और कह रहे हैं काफ़ी अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर। पहली बार आए हैं ये भाई साहब, दूसरी बार आए हैं, शायद ये लोग भी दूसरी बार आए होंगे। और भजन भैया ने बहुत अच्छा सुनाया, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है और भेजा है बुलावा, क्योंकि इन्हें माता रानी ने बुलावा भेजा है और तभी इन्होंने ये भजन गाया है कि माता रानी ने मुझे बुलावा भेजा और मैं यहाँ पर माता रानी के दरबार में दर्शनों के लिए आया हूँ। और सच्ची भी बात है, जो जो लोग जिन को माता रानी बुलावा डालती है, जिनको चिट्ठियाँ डालती है, वो कभी घर नहीं रह सकते। वो जब तक माता रानी के दर्शन ना कर पाए उन्हें दिल में चैन नहीं मिलता। तो आप भी माँ वैष्णो देवी के दरबार में आएँ। कमेंट बॉक्स पर जय माता दी ज़रूर लिखें, हो सकता है माता रानी अगली चिट्ठी आपको डाले और आप माँ के दर्शनों के लिए ज़रूर आए। मुझे दीजिए इजाज़त, मैं आशीष शर्मा, JK मीडिया कटरा से।